हेलो दोस्तों, राधिका मोबाइल रिपेयर में आप लोगों को स्वागत है। मेरे पास में जियो फ़ोन है F320B, जो कि इसका प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए F320B है मॉडल, ऐसे फ़ोन को देख के ही पता चल सकता है कि F320B है मॉडल है। तो मोबाइल फ़ोन करते हैं, उसके बाद आप लोग को खुद पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है और बताएंगे भी। और जो हमारे नए दोस्त देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर में सेट कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आने वाला सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है, देखिए ऑन हो रहा है मोबाइल। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा देर लगता है ऑन होने में। लगता है मोबाइल ऑन नहीं होगा, यहीं पे रुक गया है ये। तो आप लोग को पता कैसे चलेगा कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या फिर हार्डवेयर प्रॉब्लम है? तो यही चीज़ आप लोग को मैं बताऊंगा, इस फ़ोन में क्या दिक्कत है। देखिए ऑन नहीं हो रहा है। अब इसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या हार्डवेयर प्रॉब्लम है, इसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। पहला स्टेप हार्डवेयर से ही चलेंगे। ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर का नहीं है, हार्डवेयर का ही है। तो इसका भी चेक करने का विधि बताएंगे आप लोग को, ट्रिक बताएंगे कैसे इसको पता करना है, कैसे सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है या हार्डवेयर से। तो सबसे पहले हार्डवेयर प्रॉब्लम का वन जम्पर करेंगे और बताएंगे आप लोग को। अगर वन जम्पर करने के बाद में मोबाइल फिर ऑन हो जाता है तो हार्डवेयर प्रॉब्लम रहेगा, नहीं हुआ तो फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम रहेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, साथ में बताएंगे भी और वन जम्पर करेंगे, उससे पता भी चल जाएगा आप लोग को कि कहाँ जम्पर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैक से भी इसका प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले मैक को रिमूव करते हैं, उसके बाद में पता चलेगा इसका। बिना मैक चेंज किए हुए ही बताएंगे आप लोग को, मैक बाद में भी लगा सकते हैं, अगर मैक प्रॉब्लम रहेगा तो बाद में भी लगा सकते हैं। देखिए मैं मैक को रिमूव कर लिए हैं और छोटी वाली आयरन से सही कर लीजिए। सबसे पहले मैक को चेक करते हैं, मैक टिप्स को चेक करते हैं। ये सबसे पहले ये ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, ग्राउंड है, ये दोनों ग्राउंड है। उसके बाद में ये डाटा के लिए है, जो कि रीडिंग आ रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये रीडिंग आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद में VDD में भी रीडिंग आ रहा है। और इसका क्लॉक में भी रीडिंग है,
आ रहा है, यानी सभी में रीडिंग आ रहा है, डाटा में भी आ रहा है, VDD में भी आ रहा है और कॉलोक में भी आ रहा है। और ग्राउंड तो ग्राउंड होता ही है, ये चीज़ तो आप लोग को मालूम है ही। तो यानी कहने का मतलब मैक मैक के टिप्स में सभी में रीडिंग आ रहा है। तो सबसे पहले एक जम्फर करेंगे VDD में और डाटा वाला लाइन में जम्फर कर देते हैं। इसी से पता चल जाएगा आप लोग को कि मैक प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो चलते हैं, हम सिम को लगा देते हैं यहाँ पर, उसके बाद में मोबाइल को ऑन करेंगे। मोबाइल ऑन होता है नहीं होता है आप लोग पूरा वीडियो देखिए तभी पता चलेगा। देखिए बैटरी को रिंग कर देते हैं, नट स्क्रू को बाद में लगाएंगे क्योंकि दोबारा फिर खोलना पड़ सकता है। देखिए मोबाइल को ऑन कर रहे हैं, पूरा देखिए वीडियो कट नहीं करेंगे, पूरा वीडियो आप लोग देखिए तभी पता चल जाएगा आप लोग को अभी तुरंत। देखिए मोबाइल तो ऑन हो रहा है, क्योंकि ये समस्या जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी टेक्नीशियन को मालूम नहीं रहता है, नए वाले को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। देखिए मोबाइल ऑन हो गया, आप लोग के सामने ही मोबाइल को ऑन हो गया, तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका मैक प्रॉब्लम है, यानी हार्डवेयर का ही प्रॉब्लम था, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं था। तो यही चीज़ के लिए बताने के लिए आप लोग को मैं ये वीडियो बनाए हैं, और आप लोग समझ गए हैं आप लोग इसका मैक का ही प्रॉब्लम है। तो मैक तो आप बाद में लगाएंगे, मेरे पास मेरे फिलहाल मैक नहीं है दोस्तों, इसलिए इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं था, हार्डवेयर का ही प्रॉब्लम था, यानी कहने का मतलब मैक प्रॉब्लम था। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, इसी तरह का वीडियो आप लोग को लेते आएंगे और इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग को लाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे। तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा कर मैसेज कर दीजिए नई वीडियो पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।